डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर और उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये होता क्या है बेसिकली इसमें मैं आपको एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो भी शो करूंगा और यहाँ पे उसका सर के डायग्राम भी डिस्कस करूंगा ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकें देख सकें कि एग्जेक्टली exactly पोटेंशियोमीटर होता क्या है और वो कैसे कैसे काम करता है फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम उसकी एप्लीकेशंस कवर करेंगे सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्किट डायग्राम हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज अटैच इन एन एक्सटर्नल सर्किट एंड इट्स कंस्ट्रक्शन सो ये मैंने फोर वायर का पोटेंशियोमीटर बनाया है ईच वायर इज ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ 100, फिर 100, फिर 100 एंड देन फिर 100. दो तरह के पोटेंशियोमीटर अवेलेबल होते हैं वन इज ऑफ फोर वायर पोटेंशियोमीटर अदर इज ऑफ टेन वायर पोटेंशियोमीटर एट वायर भी ले सकते हैं आप तो अलग अलग तरह के पोटेंशियोमीटर अवेलेबल होते हैं जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होंगी उतना ही ज्यादा हमारा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, यहां पे हमने चार वायर का पोटेंशियोमीटर लिया ये सारी जो वायर्स हैं कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की होती हैं, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ सेक्शन दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स एंड दीज ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स इनको बाइंडिंग स्क्रूज बोलते हैं इनी की हेल्प से हम फर्दर कनेक्शन करते हैं इस पूरी अरेंजमेंट का विद एक्सटर्नल सर्किट यहां पे एक स्केल बना हुआ है मीटर स्केल अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है एक्सटर्नल सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है तो ए पॉइंट से आगे कनेक्टेड है दैट इज बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर फर्दर आगे ये कनेक्टेड है एमीटर से इस बैटरी का जो ई एम एफ है दैट इज एमीटर है और हमें पता है एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो ये नेगेटिव की तरफ है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ और ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये फर्दर जो है दैट इज रे तो यहां पे हमने की बनाई दैट इज के के जो है हमारे पास की है और ये जो अरेंजमेंट है यह सारा दिस वन दिस ऑल इज नोन एज द रेस्टेट रेस्टेट जो होता है दैट इज यूज टू मेक कॉन्स्टेंट करंट इन द सर्किट एक्चुअली क्या होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना शुरू करते हैं उससे पहले हम सर्किट में करंट को कॉन्स्टेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ द रेवस्टेट रेवस्ट एक अरेंजमेंट होती है इस तरह की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसके ऊपर एक क्लिप होता है, और इस बॉडी पे नंबर ऑफ वायर्स वाउंड होती हैं। उस क्लिप को हम स्लाइड कर सकते हैं और बाय स्लाइडिंग वी कैन एडजस्ट द करंट इन द सर्किट सो ये तो हुआ इसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर होता क्या है जो मैंने अभी बताया कि दिस इज फोर वायर अरेंजमेंट, तो देखिए जरा वी हैव दिस फोर वायर अरेंजमेंट, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसे ही देख सकते हैं ये एक वुडन स्केल बना हुआ है आप रीडिंग इसको ऐसे भी रख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं दोनों ही तरह से स्केल बना हुआ है तो दीज आर फोर वायर वन टू थ्री फोर ये हमारे पास बाइंडिंग स्क्रूज है ए एंड बी डीज आर ए एंड बी ये कॉपर की स्ट्रिप्स है क्लियर है और ये सारा जो अरेंजमेंट है आगे जो है इससे कनेक्टेड होता है जोकी जोकी को हम स्लाइड कर सकते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था दैट इज दिस इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे इस तरह से और जिस भी पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिलेगा उसकी हम रीडिंग ले लेंगे इन दिस वे क्लियर है आई होप यू ऑल विल गेट अब जो कि इस एक्सटर्नल सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है इस सारी अरेंजमेंट से कैसे कनेक्टेड होता है देखें जरा यहां पे हमें ए पॉइंट से जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है और वोल्ट मीटर को फर्दर कनेक्ट करना है जो कि से ये लीजिए दिस इज रिप्रेजेंटिंग जो कि ये नल पॉइंट आ गया यहां ये चीज ध्यान देनी है आपने इसमें मुझे थोड़ा सा यह भी ध्यान देना है यहां पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया है बेसिकली आप क्या डिफरेंस देखेंगे जो हमने मीटर ब्रिज डिस्कस किया था वहां गैल्वेनोमीटर लगाया था गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है उसमें सेंटर में जीरो आता है जबकि अगर इसकी बात करें तो ये डिफ्लेक्शन मेथड है सिंपली वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है जबकि ये है डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है इसमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि वोल्टमीटर में सिंपल हमारे पास रीडिंग होती है क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो है वो भी इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपने ये चीज ध्यान देनी है कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा जब आप पोटेंशियोमीटर का मेन टॉपिक कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड सो अब इसका हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे क्या इसका प्रिंसिपल है देखते हैं जरा सो प्रिंसिपल में क्या है द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड अ कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट मतलब ये दो कंडीशंस हैं क्या कहता है कि ड्रॉप होगा या फॉल ऑफ पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर वो उस पोर्शन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा कंडीशन क्या क्या है कि उस वायर का जो एरिया ऑफ प्रोसेक्शन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए तो मैंने बताया आपको कि कांस्टेंट करंट के लिए हम क्या लगा रहे हैं वहां पे रेस्टैट लगा रहे हैं जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या है प्रूफ में अगर देखें तो कहता है कि जैसे ही हम की इंसर्ट करते हैं तो हमें पता है ओम स्लो के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर वी ऑल्सो नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए अगर मैं ये टू की वैल्यू इसमें वन में यूज करूं तो वी क्या हो जाता है दैट इज रो एल आई बाई ए या मैं इसको सीधा सीधा लिखू वी इज इक्वल टू रो आई एल बाई ए मैंने एल को थोड़ा पीछे कर लिया अब ये सारा जो है दिस ऑल इज कॉन्स्टेंट रो रेजिस्टिविटी होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मटेरियल की कॉन्स्टेंट होगी I करंट यूनिफॉर्म है क्योंकि मैंने बता दिया करंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए A एरिया ऑफ प्रोसेक्शन वो भी क्या है खोज रहा प्रिंसिपल में बताया गया तो दिस ऑल इज कॉन्स्टेंट सो कॉन्स्टेंट को मैंने रिप्लेस किया विदर कॉन्स्टेंट इक्वल टू के एल क्लियर है अगर कॉन्स्टेंट को हटाऊंगा तो फाइन क्या बनेगा प्रोपोर्शनैलिटी का सो दिस इज द प्रिंसिपल सो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर क्लियर है अब यहीं से मुझे ये पता लगाना है कि ये जो कांस्टेंट है के इसको माना व्हाट इज दैट इक्वल टू वी बाई एल अगर मैं इस रिलेशन को फॉलो करूं तो so, के क्या कहलाता है दैट इज पोटेंशियल है ये लेंथ है तो दिस इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्लियर है तो जब किसी भी पैरामीटर में लेंथ डेप्थ या हाइट के साथ वेरिएशन पड़ते हैं उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड हम यूज करते हैं सो दिस के इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट क्योंकि ये पोटेंशियल में वेरिएशन को पढ़ रहा है रीडिंग ले रहा है पर यूनिट लेंथ लेंथ के साथ साथ क्लियर है सो दिस के इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बात हमें याद रखनी है सो दिस इज प्रूफ प्रिंसिपल एंड दिस वन प्रूफ ऑफ द पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर। अब इसमें सबसे मेन एक चीज मैं डिस्कस करने जा तो रहा हूं जो आपने ध्यान देनी है देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V बाई एल के बराबर है अगर मुझे ग्राफ दे दिया जाए पोटेंशियल और लेंथ के बीच में लेंथ ऑफ वायर के बीच में तो जो स्लोप होगा वी और एल तो जो स्लोप होगा यहां पे वी और एल का तो दैट विल गिव अस पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बात आपने ध्यान देनी है इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि तो परपेंडिकुलर पे क्या है वोल्टेज है और बेस पे क्या है लेंथ so slope of vl graph will give us the potential gradient ye cheez aapne dhyan rakhni hai so this is all which I wanted to discuss in this video इसमें हमने potentiometer और उसका working principle किस principle पे काम करता है वो discuss किया सभी I hope you all will get that's it बेटा